अनंतनाग सीट पर पहले चरण में आज हुए मतदान में मतदाताओं ने आतंकवादियों अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार को ठेंगा दिखाते हुए मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 9 घंटे तक चली मतदान की प्रक्रिया के दौरान 31.1% मतदाताओं ने वोट डाले। जिला अनंतनाग में डेरू कोकरनाग शंघस और पहलगाम में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, जबकि अनंतनाग और बीज बिहाड़ा में मतदान प्रतिशत कम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पैतृक कस्बे बिजहेड़ा में मात्र 2% मतदाताओं ने ही मतदान किया। यहां मतदान प्रतिशत कम होने से माना जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान महबूबा मुफ्ती को होगा। मतदान के दौरान बीज बिहाड़ा में पीडीपी कार्यकर्ताओं की नेका कार्यकर्ताओं से मारपीट भी हुई। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेका कार्यकर्ता महिला वोटरों को तंग कर रहा था, जबकि नेका वर्कर ने कहा कि वहां फर्जी वोटरों को रोक रहा था। वहीं अनंतनाग में भी मतदान कम हुआ, यहां 3.5% लोगों ने ही वोट डाले। जिन इलाकों में आतंकवादी मतदान प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने किलाबंदी कर रखी है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होते ही चुनाव अधिकारियों ने ईवीएम मशीनें बंद कर स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कश्मीर के अनंतनाग सीट पर पहले चरण में कुल मतदान 31.1% हुआ। यहां 5,27,497 मतदाताओं में से 68,893 मतदाताओं ने वोट डाले। अनंतनाग में 3,030 मतदाताओं सहित 3.5% मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं डूरू में 14,470 मतदाताओं सहित 18.4%, कोकरनाग में 18,411 मतदाताओं सहित 19.6%, शंक्स में 13,332 मतदाताओं सहित 15.1%, बिजहेड़ा में 1,893 मतदाताओं सहित 2%, जबकि पहलगाम में 17,757 मतदाताओं सहित 29.5% मतदाताओं ने वोट डाले। इसी सीट पर अब दूसरे चरण के मतदान 29 अप्रैल को कुलगांव में करवाए जाएंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार को अपने पैतृक कस्बे बीज बिहाड़ा में हुए अपेक्षाकृत कम मतदान से कुछ मायूस तो नजर आई, लेकिन उन्होंने अपनी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह मुझे एक अच्छे और सुखद परिणाम की पूरी उम्मीद है। आज बीज बिहाड़ा में बने मतदान केंद्र 37D में अपने मताधिकारी का प्रयोग करने के बाद पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि हाँ, यह सही है कि यहाँ मतदान कम हुआ है, वोट डालने के लिए कम ही लोग आए हैं, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि लोग मेरा साथ देंगे। बदलाव चाहते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं जनाब, वोट के लिए मतलब हम दूर से चलकर भी होते हैं, वोट हमें बड़ा ज़रूरी कहना है कि गवर्नमेंट बनाने में कल को हमारा समाज अच्छा हो जाए, हमारा एकता हो जाए, इसलिए वोट हमें ज़रूरी देना है, ये हमारा हक है। शुक्रिया। चाहते हो आप जी? नाम तो आप चाहते हो कि आपके वोट से बदलाव ला चाहते हो? तो कांग्रेस पार्टी हो, क्यों आप वोट डाल जी? उम्मीद है, क्योंकि ये काफ़ी तकलीफ़ों के बाद में, काफ़ी टर्माइल्स के बाद में आज हमारा साउथ कश्मीर का खसूसन अनंतनाग के वोटर आज अपना राय दहिंदगी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का वोटर बहुत हिसास है, सियासी तौर पर काफ़ी बालिग है, और इन सबको पता है इस आज के वोट का कीमत क्या है और पर्पज़ क्या है, जो पिछले 5 सालों से पूरे देश में और खसूसन कश्मीर के अंदर जो सिचुएशंस रहे हैं, उन सब को बेहतर करने के लिए, एक बेहतर सरकार देने के लिए, एक सेकुलर सरकार देने के लिए मुझे भरोसा है कि अनंतनाग ज़िले के लोग काफ़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और सही
फैसला देंगे। देखिए कांग्रेस और जिसको यूपी हम कहते हैं, हमें भरोसा है कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स पिछले 5 साल रही, जो अकलियतों और कमज़ोर तबकों के खिलाफ सरकार रही, काम करती रही, और आज वो अकलियतें, वो कमज़ोर तबके जो जमहूरियत का सबसे बड़ा हिस्सा है, देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो आज लाठी डंडे के बगैर जमहूरी तरीके से अपने बैलेट के ज़रिए से अच्छा फैसला देंगे और देश में एक अच्छी सबको साथ ले चलने वाली सरकार, किसानों के हक की सरकार, बेरोजगारों के हक की सरकार, नौजवानों के हक की सरकार, आज वो अपने वोट के ज़रिए से फैसला करेंगे। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में अगली सरकार देश में बनाएगी। अच्छा कुछ ऐसे कांग्रेस ने हमेशा, ये हिस्ट्री है, जहाँ कहीं भी सियासी इश्यूज रहे, सियासी डिस्प्यूट्स रहे, उसको सियासी तौर पर ही हल करने की ज़रूरत होती है, और जब सियासी तौर मसले हल करने की ज़रूरत है तो बातचीत एक सबसे बड़ा हथियार है, बजाय इसके कि हम इसको लॉ एंड ऑर्डर बनाएं, हम इसको गोली और लाठी चलाएं। कांग्रेस पार्टी बरसर इकदार आएगी जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, एक मजबूत डायलॉग सिस्टम जारी किया जाएगा ताकि सारे फिरकीन से बात करके यहाँ पर अमन कायम किया जाए। शुक्रिया।